हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इजी रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही इजी रेसिपी सिंधी पापड़ की। तो हम लॉकडाउन में घर में कैसे सिंधी पापड़ बना सकते हैं, तो हम आज आपके साथ बहुत ही इजीली शेयर करने वाले हैं। तो आइए देखिए आप लोग हम कैसे बनाते हैं पापड़ और हमको क्या क्या सामान की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और हम आटा रेडी करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या सामान लगेगा। हमको क्या क्या सामान की ज़रूरत है आटा बनाने के लिए। ये हमने आधा किलो पापड़ का आटा लिया है और 1 ग्लास पानी लिया है और ये थोड़ी काली मिर्च ली है कुटी हुई, आप साबुत लेकर भी इसको कूट सकते हैं। और ये थोड़ा ऑयल लिया है और ज़ीरा और ये खाने का सोडा और इसमें हमने थोड़ा सा हींग का पीस मिक्स कर लिया है और ये हमने चानिया लिया है। तो आइए हम आपको ईजीली बताते हैं कि कैसे हम आटा रेडी करते हैं। अभी हमने आटा इसके अंदर निकाल लिया है, अभी हम इसमें ऐड करते हैं ज़ीरा और काली मिर्च ऐड करते हैं इसके अंदर। और अभी हमने थोड़ा प्लेट में उसके बाद के लिए भी थोड़ा आटा बचा के रख लिया है। तो देखिए आपको भी थोड़ा सा साइड में करके रख देना है। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक बाउल लिया है, अभी हम इसमें 1/2 ग्लास वाटर डालते हैं और इसमें जो हमने चानिया लिया था ये इसके अंदर डाल देते हैं पानी के अंदर और ये सोडा और हींग इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो अभी हम इसको एक चम्मच लेके अच्छे से 5 मिनट के लिए मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने ये इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हमने आटे में जो ज़ीरा और काली मिर्च डाली थी वो भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम पानी इसमें ऐड करके और इसको आटे को गूंद लेते हैं। हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, अभी हम इसको मिक्स कर देते हैं। इसको अच्छे से ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से करके ऐसे हमको आटा रेडी करना है। इसमें हमको पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके बनाना है, हमको ये आटा पतला नहीं करना है, बहुत ही एकदम टाइट रखना है। देख लेना आप कैसे रखती हूँ मैं, आप फिर आप ऐसे रख लेना उसको। देखिए हमारा ऐसे हमको बहुत केड़ा केड़ा करके ऐसे गूंदना है इसको, टाइट रखना है, इसको पतला नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके कम से कम ये इसको हमको आटे को बनाने में 20 से 25 मिनट लगेगी और जब जाके हमारा आटा अच्छे से स्मूथ रेडी हो जाएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक बार ट्राई ज़रूर करें। सो फाइनली फ्रेंड्स, देखिए हमारा आटा बनके रेडी है। ऐसा हमको ये थिक बनाना है और अभी हमको इसको बनाने के टाइम पे अच्छे से मसलना है थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा। ये देख लो ये थोड़ा हार्ड है, ये मैंने थोड़ा सा लेकर इसको ऐसे मसला है तो ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो देखिए मैंने अच्छे से मसला है, ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, ये देखना कितना थिक है ये वाला। हमको 10 मिनट के लिए ऐसे इसको अच्छे से मसलना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आटा इसमें से थोड़ा लिया है और इसको हम ऐसे अच्छे से मसल रहे हैं। बाकी का आटा हम इसको ढक के रख देते हैं, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। बहुत खींच के इसको आटे को अच्छे से मसल लेना है, कम से कम हमको 10 मिनट के लिए ऐसे इसको मसलना है, तभी ये हमारा अच्छे से सॉफ्ट बन जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हम कैसे कर रहे हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजिली आप घर पर पापड़ बना सकते हैं, अभी लॉकडाउन है आप अभी तो आराम से बना सकते हैं आप लोग फ्री हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, ये हमारा 10 मिनट के लिए हमने इसको मसल लिया, रेडी हो चुका है। अभी हम इसके छोटे छोटे पीस करके काट देते हैं, ऐसे काटना है। आप इजीली बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लोई बनके तैयार है पापड़ की। अभी हम इसको एक चकले लेके इसको बेलते हैं, हमको ऐसे छोटे छोटे पीस करके इसको काट देनी है। देखिए कितने इजीली हमने इसको कट किए। अभी हम इसको ऐसे रख के बेल लेते हैं, थोड़ा सा ये हमने आटा जो बचाया था इसमें हम थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर इसको अच्छे से ऐसे बेल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे हम पापड़ बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पापड़ बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप इनके सबके ऐसे ही बेलकर इनको सुखाने के लिए रख देते हैं। चादर लिए और उस पर हमने ऐसे सुखाने के लिए रख देते हैं और सब पापड़ हम ऐसे सुखा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको इस तरीके से इनको सुखा देना है। अभी हमारे पापड़ सूख चुके हैं 15 मिनट, ये हमने 15 मिनट के लिए रख दिए थे सुखाने के लिए, तो हमारे ये रेडी हो चुके हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बिल्कुल बाज़ार के जैसे पापड़ घर में रेडी हो चुके हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे को कमेंट करें कैसे लगे आपको हमारे ये पापड़।